नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे स्वराज 855 FE 5 स्टार ट्रैक्टर का, जो कि न्यू मॉडल में है और कंपनी ने अभी इसको लॉन्च किया है। न्यू मॉडल में, न्यू शेप में ट्रैक्टर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रंट में हमें स्वराज की बैजिंग देखने को मिलती है और इसके जो हेडलैम्प है वो हेलोजन टाइप ही हैं, लेकिन ये पहले से बहुत चेंजेस कर दिया गया है। इनमें क्लियर हेडलैम्प हैं ये, और जाली जो है वो बढ़ा दी गई है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं एयर पास होने के लिए, और इस तरफ भी यहाँ पर ये जाली दे दी गई है। साथ ही बात करें अगर इसके साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वराज 855 FE सिंस 1974 और 5 स्टार की जो बैजिंग है वो वैसे ही यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाती है। और इस तरफ हमें देखेंगे तो यहाँ पर RPTO की जो बैजिंग है वो दी गई है, और इसका जो डिज़ाइन है बोनेट का वो सिंगल पीस बनाया गया है। सिंगल पीस बोनेट मिलता है, एरोडायनेमिक डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है, और रेड और क्रीम कलर का जो कॉम्बिनेशन है कंपनी ने वो इसमें बनाया है। और इसका जो बोनेट है वो सिंगल पीस है, फ्रंट से ही ओपन होता है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए किसान भाई, कुछ इस प्रकार से ये बोनेट ओपन हो जाता है। इसको ओपन करने के लिए सिंगल गैस रॉड लगा कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। साथ ही काफ़ी बड़े साइज का रेडिएटर जो है वो फ्रंट में आप देख सकते हैं, और इसमें बम्पर और लोडर की फिटिंग के लिए भी है यहाँ पर जो अपना हैवी फिटिंग जो है वो दी गई है। और इंजन की अगर बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में इंजन भी टोटली चेंज कर दिया गया है। इसमें हमें 3480 cc वाला 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है, और इसमें जो बोर स्ट्रोक है वो भी 110 और 122 mm का दे दिया गया है। पहले हमें इस ट्रैक्टर में 3308 cc वाला इंजन देखने को मिलता था, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इस ट्रैक्टर में जो RPM है वो हमें 2000 इंजनरेटेड RPM मिल जाते हैं। 2000 इंजनरेटेड RPM पर चलकर यह इंजन मैक्सिमम 55 HP कैटेगरी की जो पावर है वो प्रदान कर देता है। साथ ही यह ट्रैक्टर हमें 38% का बैकअप टॉर्क भी दे देता है। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमें पावर स्टीयरिंग का ऑयल जो है वो यहाँ पर सेपरेट दिया गया है, और इसमें जो पंप में ऑयल की सप्लाई है वो भी दे दी गई है। पहले इसके पंप में हमें ऑयल की सप्लाई नहीं मिलती थी, यहाँ से हमें ऑयल डालना पड़ता था। और साथ ही इसका जो कूलेंट बॉक्स है उसका साइज़ भी बड़ा कर दिया गया है पहले की तुलना में। और साइड में आप देखेंगे तो एयर फिल्टर जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हमें ऊपर प्री क्लीनर दिया गया है, बाकी यहाँ पर हमें पेपर फिल्टर, जाली फिल्टर और ऑयल फिल्टर जो है देखने को मिल जाता है पहले की तरह ही। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये ऑल्टरनेटर देखने को मिल जाता है। इस तरफ हमें पंप दे दिए गए हैं, इधर पावर स्टीयरिंग का पंप है, यहाँ पर हाइड्रोलिक का पंप है, इसके नीचे जो फिल्टर है ये चेंज कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस ट्रैक्टर की जो सर्विस इंटरवल वो बढ़ा दिया गया है। पहले इस ट्रैक्टर की जो सर्विस है वो हमें 250 घंटे पर करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस ट्रैक्टर की जो सर्विस है वो 400 घंटे पर होगी। और आप यहाँ पर देखिए इसका जो साइलेंसर है वो उसका साइज़ भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसके ऊपर हमें ये जाली लगा कर दी गई है पूरी, जिससे कि हमारा जो हाथ है वो जले ना। और किसान भाइयों, अगर बात की जाए इस ट्रैक्टर की वारंटी की, तो इस ट्रैक्टर में हमें 6 साल की वारंटी जो है वो कंपनी ने दे दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इसके बोनट को कर देते हैं बंद। ये देखिए काफ़ी इजीली ये बंद भी हो जाता है। और आप यहाँ पर देखिए, इस तरफ हमें 2 डीजल फिल्टर दिए गए हैं पहले की तरह ही, यहाँ पर हमें मोटर सेपरेटर दिया गया है। बात की जाए इसकी धड़ी की, तो हैवी ड्यूटी धड़ी पहले की तरह ही दी गई है, पहले की तरह ही सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। और साथ ही बात करें इसके डीजल टैंक की, तो 62 लीटर का डीजल टैंक जो है वो इस ट्रैक्टर में हमें दे दिया गया है। पहले की तुलना में इसकी डीजल टैंक की कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ा दी गई है। साथ ही अगर बात करें इस ट्रैक्टर के क्लच की, तो इस ट्रैक्टर में हमें पहले की तरह ही डुअल व डबल क्लच का ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। इस ट्रैक्टर में हमें ये IP2 क्लच मिल जाता है, साथ ही जो गेयरबॉक्स वाला क्लच है वो यहाँ पर सेपरेट दिया गया है। साथ ही यहाँ पर फुटरेस्ट देख सकते हैं आप, यदि आप ट्रैक्टर लंबा चलाते हैं तो इसके ऊपर पैर रखकर आप इजीली बैठ सकते हैं, जिससे थकावट जो है वो हमें जल्दी नहीं होती है। साथ ही किसान भाइयों, आप चलते हैं ऊपर। किसान भाइयों, ट्रैक्टर के ऊपर से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ड्राइवर व्यू जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। साइड में मिरर दिया गया है, और स्टेयरिंग जो है वो पहले की तरह ही काफ़ी छोटा दिया गया है। हॉर्न हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है, और मीटर का डिज़ाइन जो है वो टोटली चेंज कर दिया गया है। इस तरफ हमें टेम्परेचर मीटर दिया गया है, यहाँ पर आवर मीटर, इस तरफ हमें RPM मीटर, इधर फ्यूल मीटर, इधर बैटरी का मीटर जो है वो दिया गया है। और कॉम्बिनेशन स्विच देखने को मिल जाता है यहाँ पर। पहले जो स्विच हैं वो अलग अलग यहाँ पर हमें ओल्ड स्टाइल में दिए गए थे, लेकिन अब इसमें हमें ये कॉम्बिनेशन स्विच दिया गया है लाइट के लिए।
हैंडल जो है वो साइड में देखने को मिलती है। इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें रिवर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर जो इस तरफ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस तरफ आप देखेंगे तो हाई और लो गियर का ऑप्शन जो है इस ट्रैक्टर में दे दिया गया है। तो किसान भाइयों, यह जो ट्रैक्टर है अब तीन गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगा। पहले इस ट्रैक्टर में केवल सेंटर गियर और लो हाई मीडियम का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन कंपनी ने अब इसमें हमें हाई लो गियर जो है वो साइड शिफ्ट के साथ दे दिए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी ने ऑप्शन जो है बहुत सारे दे दिए हैं। इस तरह आप देखेंगे तो पीटीयू लीवर दिया गया है पहले की तरह ही 540 और रिवर्स पीटीयू जो है इस ट्रैक्टर में देखने को मिलती है। मडगार्ड का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी शानदार बना दिया गया है और हैवी भी इनको कर दिया गया है। इस ट्रैक्टर को आप हाई लो मीडियम के साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए अब बैक साइड की बात कर लेते हैं। तो बैक साइड पर आप देखेंगे तो इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो भी पहले की तुलना में बढ़ा दी गई है। 2000 केजी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है इसकी हमें देखने को मिलती है। साथ ही जो इसकी प्लाउ लैंप है वो भी चेंज कर दी गई है, इसका डिज़ाइन भी चेंज किया गया है। साथ ही ये हमें मडगार्ड के बीच में सपोर्ट दे दी गई है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमें कंप्लीट मिल जाता है, इजी से यहाँ पर देखने को मिलता है। और बात की जाए अगर इस ट्रैक्टर के बैक एक्सल की तो इसमें हमें स्ट्रेट एक्सल देखने को मिलता है और काफ़ी हैवी ड्यूटी इसका बैक हिस्सा जो है वो बनाया गया है। तो चलिए आप साइड की बात कर लेते हैं। तो इस तरफ भी आप देखेंगे हमें यहाँ पर ब्रेक जो हैं इसके वो दिए गए हैं, ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। साइड गियर है, इस तरफ हमें हाइड्रोलिक लॉक करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इस तरफ पीसीडीसी लीवर दिए गए हैं, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग का बॉक्स जो है वो दे दिया गया है। सीट जो है एडजस्टेबल है और बैटरी बॉक्स जो है वो साइड में ही दिया गया है पहले की तरह ही। बड़ा वाला सेल्फ दिया गया है, इधर हाइड्रोलिक फिल्टर इंजन ऑयल फिल्टर जो है पहले की तरह ही सेम दिए गए हैं। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर इस ट्रैक्टर में जो चेंजेस है वो इंजन में किए गए हैं और इसकी जो डिज़ाइन है उसमें किए गए हैं, जो कि काफ़ी शानदार है। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ की। तो इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट टायर है वो 750/16 का दिया गया है, साथ ही जो रियर टायर है वो 16/28 का देखने को मिलता है। इसी के साथ इस ट्रैक्टर में आप 14/28 के साथ 750/16 का टायर भी ले सकते हैं, ऑप्शन कंपनी ने दिया हुआ है। साथ ही इस ट्रैक्टर को आप सेंटर शिफ्टेड गियर में भी ले सकते हैं, साइड गियर में भी ले सकते हैं, हाई लो मीडियम भी ले सकते हैं। तो सारे ही ऑप्शन जो है कंपनी ने दे दिए हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।